पटना बिहार की राजनीति में हमेशा से ही बाहुबलियों का दबदबा रहा है। चाहे वो शहाबुद्दीन हो, सूरजभान हो, छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाला आनंद सिंह हो या फिर सुनील पांडे। ऐसे ही एक बाहुबली पूर्व एमपी आनंद मोहन है। वे गोपालगंज के डीएमजी कृष्णैया की हत्या के मामले में लगभग 16 साल जेल में बंद रहे। जिलाधिकारी की हत्या के मामले में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आइए जानते हैं कौन है आनंद मोहन। आनंद मोहन वो नाम है जिसने बिहार की राजनीति में आसमान तक पहुंचने का नया रास्ता बनाया था। यह रास्ता था अपराध के आंकड़ों का। जुर्म की दुनिया में जिसका जितना बड़ा ग्राफ उसका उतना ही बड़ा कद, उसी कद काठी जैसा ताकतवर रहा है आनंद मोहन। बात साल 1994 की है जब एक घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। किसी जिले का सरकारी मालिक डीएम को कहा जाता है और उसी डीएम की पीट पीट कर हत्या होना कितनी बड़ी बात होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में यही हुआ। वो तारीख थी 4 दिसंबर और साल था 1994। उस दिन छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। इस छोटन शुक्ला को बाहुबली नेता आनंद मोहन बेहद खास मानता था। असल में कहा जाता है कि छोटन शुक्ला विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। छोटन शुक्ला बाहुबली आनंद मोहन का खास था और 1994 में बिहार पीपुल्स पार्टी से जुड़ा था। यह बिहार पीपुल्स पार्टी वही राजनीति पार्टी है जो उस समय के पिछड़े और दलित की राजनीति करने वाले लालू यादव की पार्टी के विरोध में सवर्णों की राजनीति करने के लिए खड़ी हुई थी, जिसे खुद आनंद मोहन ने तैयार किया था। लेकिन छोटन शुक्ला की 4 दिसंबर 1994 को हत्या हो गई और उसके अगले ही दिन यानी 5 दिसंबर 1994 को खुद आनंद मोहन के नेतृत्व में छोटन शुक्ला की लाश लेकर सड़क पर विरोध किया गया। उसी दौरान हाजीपुर के रास्ते नेशनल हाईवे 28 से लाल बत्ती वाली गाड़ी गुजर रही थी। उस गाड़ी में पड़ोसी जिले गोपालगंज के डीएम थे। डीएम का नाम जी कृष्णैया था। वो दलित डीएम थे, मूल रूप से तेलंगाना के रहने वाले। इधर सवर्ण जाति वाले सड़क पर विरोध कर रहे थे। कहते हैं कि इनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। मुजफ्फरपुर में सरकारी अधिकारियों की एक अहम मीटिंग थी। उस मीटिंग में शामिल होने के लिए जी कृष्णैया आए थे। मीटिंग के बाद वो सरकारी गाड़ी में गोपालगंज लौट रहे थे। डीएम जी कृष्णैया के साथ सरकारी गनर भी थे। फिर भी भीड़ ने डीएम को पीटना शुरू कर दिया। वो चीखते हुए बोले कि मैं गोपालगंज का डीएम हूँ, मुजफ्फरपुर का नहीं। फिर भी भीड़ पीटती रही। और फिर कहा जाता है कि आनंद मोहन के उकसाने पर उसी डीएम की कनपट्टी पर गोली मार दी गई थी, जिससे खून में लथपथ वहीं पर डीएम की मौत हो गई। आनंद मोहन का डीएम की हत्या में कितना हाथ था या नहीं था, उसे समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला खुद गवाही देता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहा था, 14 में से 10 गवाह ऐसे मिले थे जो जुलूस में थे, घटनास्थल के बिल्कुल पास थे। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि आनंद मोहन ने बुटकुन शुक्ला को गोली मारने के लिए कहा था। इन गवाहों के बयान के आधार पर यह कहा गया कि भले ही खुद आनंद मोहन ने हत्या नहीं की, लेकिन डीएम की हत्या करने के लिए उसी ने भीड़ को उकसाया था। उस समय अभियोजन पक्ष ने कहा था कि आनंद मोहन के कहने पर ही बुटकुन शुक्ला ने डीएम को सटाकर गोली मारी थी। इस केस को लेकर ट्रायल कोर्ट ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास से बदल दिया। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि आनंद मोहन ने शूटर को गोली चलाने के लिए उकसाया था, खुद गोली नहीं मारी थी, इसलिए मौत की सजा देना सही नहीं होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर सहमति जताई थी और साल 2012 में आनंद मोहन की सजा बरकरार रखी गई थी। लेकिन 16 साल सजा काटने के बाद राज्य सरकार ने रिव्यू किया और अच्छे आचरण और नए कानून में संशोधन का हवाला देकर आनंद मोहन को रिहा कर दिया। आनंद मोहन का परिवार देश की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले चुका है। आनंद मोहन का जन्म बिहार के सहरसा जिले के पचकछिया गाँव में हुआ था। वो तारीख थी 28 जनवरी 1954। आनंद के दादा राम बहादुर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर चुके थे, लिहाजा खिलाफत करना आनंद मोहन के खून में था। अब वो आज़ादी से पहले अंग्रेज के खिलाफ था और आज़ादी के बाद विरोधी नेताओं के खिलाफ। अब साल 1974 का दौर था। इमरजेंसी के खिलाफ जेपी आंदोलन शुरू हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया। आनंद मोहन भी इसमें शामिल हो गए। 2 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा। यहीं से आनंद मोहन ने राजनीति में कदम रख दिया था। स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर को अपना गुरु बनाया। कुछ साल बाद 1980 में समाजवादी क्रांति सेना नाम से एक संस्था भी बनाई। इसका काम सरकार का विरोध करना था। फिर सरकार ने इस संस्था के खिलाफ इनाम घोषित किया और साल 1983 में आनंद मोहन को पहली बार 3 महीने की सजा भी हुई और जेल भी जाना पड़ा। बिहार में 1990 का दौर बेहद ही अजीब था। उस समय जुर्म की दुनिया में जिसका जितना बड़ा नाम उसकी उतनी राजनीति में पकड़ होती थी। अब तक अपने इलाके में आनंद मोहन का नाम बाहुबली में टॉप पर आ चुका था, लिहाजा उसी समय जनता दल के महिषी विधानसभा चुनाव पर टिकट मिल गया। आनंद मोहन इस विधायक के चुनाव में जीत गया। इसके बाद आनंद मोहन का कद और बढ़ गया। अब इन्होंने पिछड़ी जातियों के विरोध के लिए एक प्राइवेट आर्मी भी तैयार कर ली थी। आलम यह हो गया था कि 1995 आते आते ये लालू प्रसाद यादव को टक्कर देने लगा था। इसकी वजह बनी थी 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करना। इस सिफारिश का समर्थन जनता दल ने भी किया था। मंडल कमीशन चूंकि पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर था, इसलिए आनंद मोहन ने इसका विरोध किया। अब जनता दल पार्टी भी छोड़ दी। इसके बाद खुद की बिहार पुलिस पार्टी बना ली थी। अब आलम यह हुआ कि लालू प्रसाद यादव पिछड़ों के नेता थे तो अग्रणी जातियों के लिए असली नेता आनंद मोहन हो गए थे। लेकिन ठीक उसी साल 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या और बाद में डीएम की हत्या के बाद आनंद मोहन को जेल की हवा खानी पड़ी। आखिरकार पहले फांसी की सजा हुई, जिसे कहा जाता है कि आज़ाद भारत में पहली बार किसी राजनेता को फांसी की सजा हुई थी।
जिसके बाद उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। लेकिन आज फिर वो शख्स बिना उम्र कैद की सजा काटे आज़ाद हो गया है। आनंद मोहन ने जेल में रहते हुए दो किताबें भी लिखी, एक किताब कैद में आज़ाद कलम और दूसरी स्वाधीन अभिव्यक्ति। इसके अलावा आनंद मोहन की लिखी कहानी पर्वत पुरुष दशरथ काफ़ी फेमस है। चूँकि आनंद मोहन सांसद रह चुके हैं, इसलिए उनकी लिखी किताबें संसद लाइब्रेरी में आज भी उपलब्ध हैं। जहाँ आज उनके रिहा होने पर राजपूत समाज खुश है, वहीं डीएम कृष्णैया के परिवार वाले हताश हैं।